हेलो, आप सब लोग ठीक हैं? ये हमारा उत्तराखंडी खाना है। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। दिवाली वगैरह के बाद ये काफी टाइम के बाद आज व्लॉग आ रहा है, बिकॉज दिवाली के बाद लाइक देयर वाज नथिंग हैपनिंग एज सच टू व्लॉग। बट आज हमारी सोसाइटी में उत्तराखंड फाउंडेशन डे सेलिब्रेट होने वाला है। ये पहले था, आई थिंक 3-4 दिन पहले था, बट देन क्योंकि सब लोगों का ऑफिस वगैरह होता है तो दे ऑल डिसाइडेड कि हम लोग सैटरडे को सेलिब्रेट करेंगे, ताकि यू नो मोर पीपल कैन अटेंड द इवेंट। तो आज वही है, तो फिर मैंने सोचा कि आज ब्लॉग करते हैं। तो मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही उठी थी एंड अभी मैं यहाँ पे सारे पैकेजेस पैक कर रही हूँ एंड एड्रेस वगैरह लेबल कर रही हूँ इसमें, बिकॉज आई हैव टू शिप देम, बिकॉज ये वही गिव अवे जो दिवाली पे मैंने होस्ट किया था उस गिव अवे के विनर्स के प्राइजेज हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज लगे आ तो ये भी मैं कर दूंगी। तो पहले तो मैं मोस्टली जाके इधर स्टोर है वहीं से कोरियर अपने डिस्पैच करवाती थी, बट क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है तो मुझे वो उधर जाने को मौका नहीं लगेगा। सो आई हैव प्लान्ड कि मैं ऑनलाइन ही इनको डिलीवर कराऊंगी। फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप सब कुछ ठीक से हो जाए एंड ये सही से पहुंच जाए। एंड या अदर देन दैट, मुझे अभी शॉपिंग के लिए जाना है, आई हैव टू बाय अ फ्यू स्टाफ एंड उसके बाद शाम को जो इवेंट है उसमें मेरी मम्मी भी परफॉर्म कर रही है, सो आई हैव टू गेट हर रेडी। सो या आई विल टेक यू गाइज अलॉन्ग द एंटायर प्रोसेस एंड आई होप आप लोगों को मजा आया आज के ब्लॉग में, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। या लेट्स गो। ब्लॉगर मम्मी हमारे ब्लॉग के ऊपर टेक ओवर कर रही है, बोलो क्या बोलना चाहते हैं। हेलो, आप सब लोग ठीक हैं? हाँ। आगे आज हमारा उत्तराखंड का स्थापना दिवस जब 9 तारीख को होता है, 9 को होता है, 10 को होता है, वेडनेसडे को था, क्या था उस दिन? मम्मी आगे डेट को छोड़ो, सब लोग जाएगी, सब लोग कैलेंडर में देख लेना वेडनेसडे को क्या था। A few moments later. कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, हम भी ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक है, आगे। आज हमारा 9 तारीख को स्थापना दिवस होता है उत्तराखंड का, इसलिए 9 तारीख को बुधवार पड़ गया था, इसलिए उस दिन हो नहीं पाया क्योंकि सबकी छुट्टियां नहीं रहती किसी की भी, इसलिए आज शनिवार को बहुत सारे लोगों की छुट्टियां रहती हैं, इसलिए आज स्थापना दिवस हो रहा हमारे सोसाइटी में। और हम लोग नीचे परफॉर्मेंस भी करेंगे, और आगे आप बताना कैसा हमारा परफॉर्मेंस में आपको लगा और मैं कैसी लग रही थी। बताइए। ओके, सो अभी मैंने ब्रेकफास्ट बनाया एंड ऑल द पार्सल्स आर गॉन, वो आके लेके चले गए थे कुरियर पार्टनर जो थे। एंड ऑल्सो मैंने अपने बैकग्राउंड में थोड़ा सा चेंजेस किया है, मुझे पीआर बॉक्स रिसीव हुआ था, मुझे इतना क्यूट लगा कि मैंने अपना जो प्लांट है वो इसी में रख लिया। एंड देन आई एडेड दिस ट्रे एंड आई हैव एडेड ऑल द प्रोडक्ट्स जो कि मैं डेली बेसिस पे मतलब पूरे दिन में यूज करती रहती हूँ। सो अभी ये मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है, आप मुझे कमेंट्स बताना आपको अच्छा लगा या फिर ज्यादा क्लटर्ड लग रहा है, नहीं तो मैं उस हिसाब से यू नो कम कर दूंगी थोड़ा। सो अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी बना लिया है, आई हैव माय ब्रेकफास्ट राइट हियर एंड आई एम एडिटिंग अ वीडियो, अभी एक शॉर्ट एडिट करना है और वो अभी अपलोड करना है, उसके बाद आई हैव टू हेड आउट, सो आई हैव टू टेक अ बाथ एंड गेट रेडी ऑल्सो। सो या दैट्स व्हाट आई एम गोना डू नाउ। ग्रेटर नोएडा और इंद्रपुरम के काफी सारे मॉल छानने के बाद फाइनली हमें मिल गया है जो मैं ढूंढने आई थी। एंड अभी क्योंकि थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा बचा था तो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने, एंड अभी हम इंद्रपुरम में हैं, यहाँ पे मैं पहले रहती थी, अबाउट 5 ईयर्स बैक हम लोग यहीं पे रहते थे। एंड देयर इज अ प्लेस कॉल्ड चाइनीज हट जो कि हमारी एब्सोल्यूट फेवरेट है, तो जब भी हम लोग इधर आते हैं लाइक इट इज अ मस्ट टू गो देयर एंड हैव समथिंग। सो आई विल शो यू गाइज अराउंड एंड उसके बाद तो फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, सो आई हैव टू गेट मॉम रेडी। तो अभी मैं घर पहुंच गई थी अराउंड 3 बजे एंड उसके बाद जैसे ही मैं घर पहुंची, सो माय मॉम हैड कॉल्ड मी अर्लियर कि मतलब उनको 4 बजे नीचे जाना था, तो मैं
उस हिसाब से आई. सो लाइक हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, वरना प्लान था कि 2 बजे वापस आ जाते, बट उन्होंने कॉल करके बोला कि आराम से आना. तो हमें लगा कि मे बी इनका जो भी प्रोग्राम है वो थोड़ा सा आई थिंक पोस्टपोन हो गया, ऐसा हमें लगा था. तो हम लोग आराम से आए, एंड जैसे हम घर आए माई मॉम हैड अ मिनी एंग्जाइटी इंसिडेंट, तो उसके वजह से मैंने अभी तक शूट नहीं किया. शी गॉट वेरी वेरी एंशियस. एक तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट शी इज परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल. मतलब वो ना काफी इंट्रोवर्ट है, तो वो ज्यादा ऐसे बाहर जाता भी नहीं है. एंड टूडे वो इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्मेंस देने वाली है. सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट शी गॉट वेरी वेरी एंशियस. एंड अभी वो लोग कुछ परिक्रमा समथिंग, मैं नाम भूल गई, कुछ तो होता है. सो वो अभी लोग करने गए हैं, एंड अभी ये लोग पूरा सोसाइटी का परिक्रमा करेंगे, एंड गाने वाने भी बज रहे हैं. तो मैंने मम्मी को तो रेडी करके भेज दिया. अभी फिलहाल वो साड़ी पहन के गई है रेड कलर की, शी इज लुकिंग ब्यूटिफुल. एंड रात के फंक्शन के लिए जो उनका आउटफिट है, वो आउटफिट वो अभी आके पहनेंगी. सो मैं अभी आएंगी तो मुझे टाइम लगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने मम्मी को अभी कैसे रेडी किया था. एंड रात के लिए भी आई कीप द मेकअप सेम, क्योंकि ज्यादा टाइम होगा नहीं उनके पास चेंज करने को. सो आई जस्ट चेंज द लिपस्टिक एंड आई डू अ लिटिल बिट टच अप फॉर हर, और फिर आउटफिट चेंज करेंगे तो मैं आपको वो वाला पार्ट तो दिखाऊंगी. शी इज लुकिंग वेरी वेरी pretty anyways. And so अभी अगर मैंने पापा को बोला तो है कि जो नीचे हो रहा है उसका वो क्लिप लेके आएंगे, तो अगर वो लेके आएंगे तो मैं अभी इंसर्ट करूंगी. इनकेस अगर आपको अभी तक नहीं पता है या अभी तक समझ में नहीं आया है, तो मैं उत्तराखंड से हूँ, एंड आई एम अ कुमाऊनी. एंड ये हमारा लाइक ईयरली फेस्टिवल, ईयरली सेलिब्रेशन होता है फाउंडेशन डे का. सो कोविड के वजह से तो काफी टाइम से हो नहीं रहा था, कोविड से पहले होता था, बट क्योंकि उस टाइम पे मैं हॉस्टल में थी तो मैंने कभी ये अटेंड नहीं किया है. एंड इस बार तो मेरी मम्मी भी पार्टिसिपेट कर रही है, सो मैं डेफिनेटली इस बार तो अटेंड करने वाली हूँ. एनीवेज आज सैटरडे, ऑफिस भी नहीं है, सो मैं भी उसी के लिए रेडी हो रही हूँ. आई हैव वॉन दिस कुर्ता, आपने देखा होगा ये कुर्ता मैंने अमेजोन से मंगाया था. एंड मैंने ये शायद से, हाँ ये मैंने वृंदावन में भी पहना था, बट माई मॉम वॉन्टेड मी टू वियर दिस टूडे, तो इसलिए मैं इसको आज पहन रही हूँ. एंड आई एम डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ मेकअप, ज्यादा नहीं कर रही हूँ. एंड आई हैव केप्ट माई हेयर लाइक हाफ अपडू. मैंने कर्ल्स नेचुरल, नो हीट कर्ल्स किए हैं. मैं आजकल अपने बालों को काफी ज्यादा नेचुरल रखने का ट्राई कर रही हूँ. लाइक मैं हीट नहीं स्टाइल कर रही हूँ अपने बालों को, हीट स्टाइलिंग बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ, बिकॉज मेरे बाल बहुत ज्यादा सर्दियों में ना झड़ने लग जाते हैं, तो फिर मैं नहीं चाहती कि उनको मैं और ज्यादा रीजन दूं झड़ने का. सो आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई हेयर दैट वे. एंड या अभी मैं नीचे जाऊंगी तो शाम का फंक्शन तो मैं आप लोगों को पूरा खुद ही ब्लॉग करके दिखाऊंगी. अभी मैंने मम्मी का मेकअप रेड से ट्रांजिशन कर दिया है, पिंक में लिफ्ट आ गई. एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी कैसी लग रही है. सो दिस इज व्हाट शी लुक्स लाइक. आंटी हाय बोलो. हाय. तो ऐसे मम्मी लग रही है, इनका परफॉर्मेंस है, मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ. ये उत्तराखंड का हमारा जो फंक्शन हो रहा है, ये हमारे उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है. ओके. सब लोग हाय बोलो. आंटी हाय, बढ़िया लग रहा है. हमें ऑल द बेस्ट. केले बजे मोरूली बेड़ा ऊंची ऊंची डान्यू मा.
क्या क्या है इसमें? ये हमारा उत्तराखंडी खाना है, ये धोत की दाल है, ये रायता है, ये बताने वाली है, चावल है, ये बट्टी दाल है, ये मटर की रोटी है, ये सलाद है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हम लोग घर आ गए हैं। इट वॉज सच अ क्रेजी डे, मजा ही आ गया, इतना ज्यादा डांस किया सब लोगों ने। एंड उसके बाद हम लोगों ने पहाड़ी डेलिकेसीज भी खाई एंड अभी हम फाइनली घर आ गए। इतना ज्यादा थक गए दैट आई कैन नॉट जस्ट इवन स्पीक एनी मोर वर्ड्स। एंड मम्मी वॉज द स्टार ऑफ द डे आज, बिल्कुल ही मम्मी VIP बनी हुई थी। सारे लोग आके मम्मी के ग्रुप के साथ फोटो खिंचा रहे थे बिकॉज वो लोग पूरी भीड़ में सबसे अलग ही चमक रहे थे, तो सब लोग उनके पास मैनुकिन की तरह उनको खड़ा करके मैम हमारे साथ भी फोटो खींच लो, हमारे साथ भी खींच लो, बिल्कुल VIP ट्रीटमेंट मिल रहा था। बहुत ही ज्यादा मजा आया। आई होप आप लोगों को भी आज का ब्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड कॉमेंट करके जरूर बताना अगर आप लोग उत्तराखंड से हो और आपको हमारा फंक्शन अच्छा लगा तो। एंड या आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। मेरा डांस कैसा लगा ये भी बताना। कमेंट डाउन बिलो।